नमस्कार, अर्चना स्वाद बास्केट में आपका स्वागत है। मैं हूँ अर्चना। हाय फूडीज, आज हम बनाएंगे दिल्ली के मशहूर राम लड्डू, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। अब दाल भिगोने का झंझट नहीं, ये इंस्टेंट है। तो जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमने मूंग दाल का पाउडर लिया है, ये सुपर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये हमने इंस्टेंट पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून बेसन, कुछ मसाले लिए हैं, अदरक पेस्ट, मूली के पत्तों की चटनी या पेस्ट, हरी मिर्च, अजवाइन, धनिया और मूली के कटी हुई पत्तियां, नमक, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, हींग और नींबू का रस। गार्निशिंग के लिए मूली के लच्छे और हरी मिर्च, इसको भी हम भजिए की तरह बनाएंगे। चीर कर इस तरह से चीरा लगाएंगे हरी मिर्च में, ऐसे। इससे तलते समय वो छिटकेगी नहीं और अंदर तक मसाला भी चला जाएगा। अब बनाएंगे एक बैटर। मूंग दाल पाउडर में हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, अजवाइन, अदरक पेस्ट, मूली के पत्तों का पेस्ट या चटनी, ये स्वाद तो बढ़ाता ही है और ये इसकी स्पेशलिटी भी है। नमक, मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मूली के पत्ते, 1 चम्मच धनिया पत्ती। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे और पकौड़ी जैसा बैटर तैयार करेंगे। ऐसा ही पेस्ट चाहिए, देखिए, न ज़्यादा पतला न गाढ़ा। 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, उसे भी मिक्स कर देंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर तैयार है, तो गार्निशिंग के लिए सलाद बना लेते हैं। मूली के लच्छे जो हमने घिस कर तैयार किए हैं, उसमें नींबू का रस डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर मिक्स करके अलग रख लेते हैं। चलिए अब भजिया तलते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, कुकिंग ऑयल डालेंगे और गर्म होने देंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर डालेंगे, ऐसे। ऊपर आ गया है, तैयार है। अब इस तरह से हाथ से बैटर लेकर कढ़ाई में डालते जाएंगे। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से फ्लिप करके गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये हो गए हैं, तो इनको ऐसे तिरछा करके एक्स्ट्रा ऑयल निकालकर डिश आउट कर लेंगे। दूसरा बैच भी डाल देंगे। ये पूरी तरह वीगन है क्योंकि प्लांट बेस है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, घी, बटर आदि यूज नहीं किया है। अब जो हमने हरी मिर्च चीर कर रखी थी, उसे भी बैटर में डिप करके कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लेंगे। राम लड्डू के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये भी तैयार हो गई, इसे भी डिश आउट कर लेंगे। चलिए सब तैयार है तो प्लेटिंग करते हैं। देखिए आवाज आ रही है ना, ये बहुत क्रिस्पी है। ऊपर से डालेंगे मूली के पत्तों वाली हरी चटनी और अब जाएगी इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ी सी धनिया पत्ती और मूली के लच्छे। ज्यादातर आपने चाट में देखा होगा कि ओनियन काट के डालते हैं, लेकिन राम लड्डू में खास तौर से मूली के लच्छों का ही प्रयोग करते हैं। जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और साथ में मिर्च के पकौड़े भी रख देंगे। हमारे राम लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। वाओ, मजा आ गया, क्रिस्पी और टेस्टी। देखिए कितने सॉफ्ट और कुरकुरे हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में, पार्टी में, रमजान में, इफ्तार में भी खा सकते हैं। ये इंस्टेंट मूंग दाल पाउडर से बना है, तो एनी टाइम आप बना सकते हैं। चलिए बनाइए, खाइए, खिलाइए। यदि आपको अर्चना स्वाद बास्केट की दिल्ली वाले राम लड्डू की रेसिपी पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप इस डिश को बनाते हैं तो उसकी पिक खींचें और हैशटैग अर्चना स्वाद बास्केट को टैग करके इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जिसे हम अपनी स्टोरी में डाल सकें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ईद और अक्षय तृतीया आने वाली है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।